यस तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब लोग? आई एम सी अंकुर अग्रवाल एंड आई बी हेल्पिंग यू विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। गाइस, कल तक के लेक्चर में अपन ने री इशू पढ़ा था। अगेन, री इशू के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अभी तक अपन सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस बचा है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज अपन री इशू के एक दो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, ठीक है? उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे प्रोराटा। यस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो गाइज, री इशू के एक नहीं दो क्वेश्चंस लिए मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, फटाफट आप देखेंगे उसको और सॉल्व करेंगे। अगेन, जिनको आता है गाइज, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे और बाद में चेक करेंगे, ठीक है? सिर्फ कॉपी करने का काम नहीं करेंगे आप लोग। तो देखो, एक्स लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 ईच पेएबल एज फॉलोज, ठीक है? 10,000 शेयर्स है, ₹15 का एक शेयर है गाइस। फेस वैल्यू 15 है, 10 + 5 नहीं बोला है ना? फेस वैल्यू ही 15 है। 4 पर शेयर ऑन अप्लीकेशन, 7 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब ये हो जाएगा सर 4, ये हो जाएगा 5 + 2 9, और बचा ₹6। ऐसे 15 + 2 का इशू है। सो सिंपल, दास होल्डिंग 50 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनीस। दास होल्डिंग 50 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनीस। पाल होल्डिंग 80 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। ऑल दी शेयर्स वर फोरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड। गाइस, दो फोर फीचर है, पहले दास का अच्छे, अगेन दो फोर फीचर है, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है? दास होल्डिंग 50 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनीज, मतलब दास ने एप्लीकेशन दिया क्या? यस सर। दास ने अलॉटमेंट दिया क्या? नो सर। कॉल दिया क्या? नो सर। मतलब दास की एंट्री होगी सर, सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा डेबिट में। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना सर? 50 × 2 ₹100। कॉल्स इन अरियर आ जाएगा सर 5 और 2 7, 7 और 6 7 और 6 ₹13। तो कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 50 × 13। फोर फीचर में आ जाएगा सर 50 × 4, और 13 और 4 होते हैं 17, 17 में से 2 गए अपने आप, 50 × 15 इसमें आ जाने चाहिए, ठीक है? यस, कितना हो जाता है वो? 50 × 13 आप करेंगे, ये हो जाएगा 650। फिफ्टी इंटू फोर आप करेंगे, ये हो जाएगा 200, और 50 × 15 करेंगे तो ये 750 आना चाहिए, आ भी रहा है, ठीक है? यस, बढ़िया। दास, उसके बाद पाल होल्डिंग 80 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, ऑल दी शेयर्स वर फोरफिटेड। पाल का एक और फोर फीचर है, अगेन गाइस आंसर देना प्लीज मुझे। पाल ने एप्लीकेशन दिया, यस सर। पाल ने अलॉटमेंट दिया, बिल्कुल यस सर। पाल ने कॉल दिया, नो सर। अलॉटमेंट दिया है तो प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा, ठीक है? यस, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा। रूल 1, व्हेन एवर प्रीमियम इज रिसीव्ड इग्नोर इट। 2, कॉल्स इन अरियर, और 2, फोरफिटेड शेयर या शेयर फोरफीचर, एक ही बात। अब कॉल सिनेरियो में जाएगा गाइस, यहां पे 80 × 6, फोर फीचर में जाएगा 80 × 9, एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 5, 2 नहीं, ठीक है? अपने आप 80 × 15, सो सिंपल। पूरे शेयर्स, ऑल दी शेयर्स 80 और 50 हो जाते हैं। 130 शेयर्स वर री इशूड टू रॉय एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 3। अगेन गाइस, ये डिस्काउंट लिखा जरूर है,
लेकिन अपन डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, है ना? अपन तो क्या लिखते हैं सर, बैंक में आएंगे 130 × 12, 15 का शेयर, 3 रुपए डिस्काउंट पे दिया, मतलब 12 रुपए आएंगे सर। 3 रुपए डिस्काउंट के नाम से नहीं लिखेंगे, 3 रुपए फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट से एडजस्ट करेंगे 130 × 3, और शेयर कैपिटल में जाएंगे 130 × 15। सो सिंपल। रीइशू बोल, सॉरी, कैपिटल रिजर्व में कैसे जाएगा गाइस? दो तरीके हैं। पहले तो आप क्या करो, सर आपने फोरफिट किया है 4 रुपए, आपने डिस्काउंट दिया है 3 रुपए, बचे 1 × 50 शेयर्स। दूसरा तरीका, सर आपने फोरफिट किया है 9 रुपए, डिस्काउंट दिया है 3 रुपए, माइनस करेंगे 6 रुपए × 80 शेयर्स। तो 50 × 150, 8, 8 6 48 है ना, 480 और 50, ये आ जाएगा यहाँ पे 530। ये पहला तरीका, या फिर ऑल शेयर्स है, पार्शियल रेशो नहीं है बच्चा, है ना, ऑल शेयर्स है, तो टोटल क्रेडिट कितना सर? 200 और 8 9 72, 720। डेबिट कितना? अच्छा, ये टोटल आ जाएगा 920। डेबिट कितना? 130 × 3, 13 3 20, सॉरी 39, 390। बैलेंस करेंगे 530, यहां से भी आ रहा है। सो सिंपल, ठीक है बच्चा? यस, कैपिटल रिजर्व इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है थोड़ा, लेकिन इंस्टीट्यूट पूछते हैं, यहाँ पे बड़ा पूछ लेगी, बाद में कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछ लेगी, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में आप टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे प्रोराटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए होल्ड्स, ध्यान से सुनना, ए होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑन विच ही हैज पेड ₹2 एज एप्लीकेशन मनी। बी होल्ड्स 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच ही हैड पेड ₹2 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी एंड 3 पर शेयर एज अलॉटमेंट मनी। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? एप्लीकेशन पे दे दिया है 2 रुपए, अलॉटमेंट का मनी है 3 रुपए। आगे पढ़ेंगे तो सी होल्ड्स 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच, हैज पेड एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, और फर्स्ट कॉल भी 3, 10 रुपए का शेयर है गाइस। सेकेंड कॉल पे बैलेंस अमाउंट आएगा 2 और 3 5 और 3 8 और 2 बैलेंस। ठीक, अच्छा आगे बढ़ना। दे ऑल फेल टू पे देयर अरियर्स ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड द डायरेक्टर्स फोरफीटेड देयर शेयर्स। अब एक कॉन्फ्लिक्ट है क्वेश्चन में, एक कॉन्फ्लिक्ट है क्वेश्चन में, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? ध्यान से सुनना और सोचना। ए होल्ड्स 200 शेयर्स ऑन विच ही हैज पेड एप्लीकेशन मनी। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है और आखिरी में लिखा है दे ऑल फेल टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ए ने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी दिया है कि नहीं दिया है, ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। ए ने एप्लीकेशन मनी दिया, ये क्लियर बोला है। ए ने सेकेंड कॉल नहीं दिया, ये भी क्लियर बोला है। बस प्रॉब्लम ये है सर कि ए ने अलॉटमेंट दिया है क्या या फर्स्ट कॉल दिया है क्या, इसके बारे में क्लियर कट कुछ नहीं बोला। आप क्या मानेंगे, आप कैसे करेंगे? तो सर नीचे बोला इसने दे ऑल फेल टू पे द सेकेंड कॉल, मतलब बाकी सब दे दिया होगा, लेकिन यार ऊपर भी तो बोला है कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं दिया, ये भी तो बोला है। तो इसका अपन अजम्पशन ऐसा निकालेंगे, ऐसा लिखेंगे
कि उसने एप्लीकेशन में नहीं दिया और सेकेंड कॉल तक पैसे नहीं दिए। सेकेंड कॉल तक मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकेंड कॉल तो बोला ही। अरे यार ऐसा हो सकता है ना कि एप्लीकेशन दिया फिर अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिए, ऐसा कराया ना अपन ने कल, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट करें दे। तो ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट ने हिंट दे दी कि उन्होंने सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया और ऊपर बोला है कि सिर्फ अप्लीकेशन दिया, मतलब मानना पड़ेगा कि अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकेंड कॉल नहीं मिला। ए का, बी का क्या रहेगा सर? तो बी का बोला है कि अप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का कुछ नहीं बोला है, तो वो नहीं दिया मानेंगे। सी का क्लियर बोला है सर, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, सेकेंड कॉल नहीं दिया। ऐसा रहेगा आपका ए, बी और सी। फोर फीचर की एंट्री तो आपको आती है, सेम रहेगी। ठीक है, तो फटाक से ट्राई करते गाइस, प्रीमियम तो क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, शेयर कैपिटल कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा, 3, 3, 6 और 2, 8 रुपीज, 8 × 200। फोर फीचर में आ जाएगा 2 × 200, यहाँ आ जाएगा 10 × 200। फोर फीचर का अमाउंट यहाँ लिख देते अपन 400 रुपीज। ठीक, दूसरा फोर फीचर सर बी का, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफीटेड शेयर। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा गाइस ये 3 और 2, 5 रुपीज, 400 × 5। शेयर्स पे भी ध्यान देना, ए के 200 है, बी के 400 है और सी के 300 है। यहाँ आ जाएगा अप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपीज, 400 × 10 रुपीज। सी का आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फोर फीचर। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा आपका अगेन आखिरी का सिर्फ 2 रुपए × 300, 8 × 300 और 10 × 300। ऐसी आपकी फोर फीचर की तीनों एंट्रीज होगी। ठीक है बच्चा लोग, री इशू ऑल शेयर्स, द शेयर्स आर री इशूड सब्सिक्वेंटली फॉर ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ऑल शेयर्स गाइस, ऑल पूरे शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 और 400, 600 और 300, 900 शेयर्स × 12। शेयर कैपिटल में जाएगा फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू होती है सर 10। और शेयर फोरफीचर से एडजस्ट करेंगे आप डिस्काउंट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में जाएगा, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, फोरफीटेड शेयर्स में नहीं जाएगा सर, 10 का शेयर 12 में दे रहे तो प्रॉफिट हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, डिस्काउंट है ही नहीं सर, कुछ परफेक्ट। कैपिटल रिजर्व आपको निकालना आता है। ठीक है, पहला तरीका इंडिविजुअल निकालो, है ना, कैसे सर? 2 रुपए फोरफिट किए थे, डिस्काउंट दिया 0, बचे 2, 2 × 400। यहां पे 5 रुपए फोरफिट किए थे, 5 में से डिस्काउंट दिया 0, बचे 5 × 400। यहां 8 रुपए का फोरफिट किया था, डिस्काउंट दिया 0, बचे 8, 8 × 300। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका टोटल क्रेडिट, डेबिट तो कुछ है ही नहीं, आ जाओ निकाल लो आंसर। 2 × 400 इज, सॉरी 2 × 400 नहीं है गाइस, ध्यान से सॉल्व करो, गलती मत करो। ठीक है, हाँ, 2 × 200 दैट इज 400, 5 × 400 दैट इज 2000, और 8 × 3 = 24 प्लस 2400। तो गाइस मेरा आंसर आ रहा है 4800, 4800। आपको ये खुद से करना चाहिए कैपिटल रिजर्व, बाकी फोर फीचर में तो नया पॉइंट था, है ना।
ठीक है बच्चा लोग। यस यस, तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, टफ है, मतलब मैंने कोशिश की एकदम सिंपलीफाई करवाने की इसको, तो थोड़ा सा बेसिक से अपन जाने वाले हैं आज, लेकिन फिर भी टफ है ना, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। स्टार्ट करते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, या इसको प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट भी बोलते हैं गाइस। प्रो राटा तो अपन प्यार से बोलते हैं इसको, वैसे इसको बोला जाता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। व्हाट इज दिस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट? तो गाइज याद है कि अपन ने फर्स्ट डे या सेकेंड डे ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट पढ़ा था, फर्स्ट डे पढ़ा था शायद। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने अप्लाई किया 1000, मैंने इशू लाया 1000 शेयर्स का, मेरे को अप्लीकेशन 1200 शेयर मिले, पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन। अब अप्लीकेशन 1200 मिले तो मैं 1200 शेयर्स तो बांट नहीं सकता ना यार, मेरे को मेरा इश्यू साइज 1000 शेयर्स है, तो मेरे को 1000 शेयर्स ही बांटना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया था, तब अपन ने जो एक्सेस अप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्शन लेटर भेजा था, याद है क्या? रिजेक्शन लेटर भेजा था कि यार हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि आप अगर ऐसे शेयर होल्डर हो, आप ऐसे अप्लीकेंट हो, आपने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने आपको रिजेक्शन लेटर भेजा कि यार नहीं मैं तेरे को शेयर नहीं दे सकता, तो कैसा लगेगा यार आपको? कैसा लगेगा आपको? अच्छी फीलिंग आएगी क्या कि बुरी फीलिंग आएगी कि यार हमने तो अप्लाई किया सर की कंपनी में, नई नई कंपनी है, कोई पहचानता भी नहीं, फिर भी सर ने शेयर नहीं बांटा, बुरा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। मैं फील कर सकता हूँ आपकी भावनाओं को। अब मैंने अगले साल इशू लाया, या जब भी कभी फ्यूचर में मैंने इशू लाया, आप अप्लाई करोगे क्या? आप क्या बोलोगे, सर तो शेयर ही नहीं बांटते, ये रिजेक्शन लेटर भेज दिया था मेरे को, तो ऑब्वियस आप अप्लाई नहीं करोगे, तो मेरा नुकसान हो सकता है यार फ्यूचर में। लेकिन प्रॉब्लम मेरी भी है, प्रॉब्लम मेरी क्या है, मेरे पास 1200 शेयर है ही नहीं सर बांटने के लिए। अब आपने 1200 किया तो मैं आपको 1200 दूं कहां से, मेरे पास 1000 ही शेयर है ना यार बच्चा, तो प्रॉब्लम मेरी भी है। तो इसका बीच का सॉल्यूशन है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या होगा, तो सबको शेयर बटेंगे, सबको, लेकिन जिसने जितने अप्लाई किए उतने नहीं बटेंगे, थोड़े कम बटेंगे। यस, जिसने जितने अप्लाई किए उतने नहीं बटेंगे, थोड़े कम बटेंगे। बोलने का मतलब है अगर 1200 के एप्लीकेशंस मिले हैं मेरे को, तो एक जन ने, मिस्टर ए है, उसने अप्लाई किया 100 के लिए, मैं उसको 80 शेयर्स दे दूंगा। मिस्टर बी है, उसने अप्लाई किया 200 शेयर्स के लिए, मैं उसको 150 शेयर्स दे दूंगा। मिस्टर सी है, उसने अप्लाई किया 500 शेयर्स के लिए, मैं उसको 400 शेयर्स दे दूंगा। ऐसा करते करते मैं सबको शेयर्स दूंगा, लेकिन थोड़े कम दूंगा, लेकिन थोड़े कम दो, प्रोपोर्शन में दो। इसको बोला जाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरे को 1000 शेयर्स बांटने थे, मैंने बांट दिए, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, आपको भी कुछ ना कुछ शेयर्स मिल गए। हाँ, अगर आप ये जिद पकड़ लोगे कि नहीं सर मेरे को तो पूरे शेयर्स चाहिए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, रखना है तो रखो, सिंपल सा पढ़। ठीक है सर अगले, अरे आपको और चाहिए ना तो अगले बार मैं इशू लाऊंगा तब और खरीद लेना, सिंपल सा पढ़ना है, मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो, है ना। यस, तो ये कंसेप्ट है गाइस प्रो राटा अलॉटमेंट का, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का। अगेन कोई भी प्रपोर्शन में कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी लॉ में कहीं पे भी इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन नहीं है। तो यही इसके, अब कंसेप्ट तो समझ गया, लेकिन इसकी अकाउंटिंग समझने के लिए मैंने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिया है। गाइस आप लोग फील करना कि मैं कंपनी हूं और आप वो अप्लीकेंट हो जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। जब तक क्या फील नहीं करोगे तब तक के आपको प्रोराटा का लॉजिक क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है बच्चा लोग। यस तो इश्यू साइज 10 शेयर, जानबूझ के छोटा क्वेश्चन लिया है ताकि फिगर्स अपने को ध्यान में रहे। तो 10 शेयर का इश्यू है, लेकिन आपने आपने हर एक ने अप्लाई किया 12 शेयर की। हर एक के लिए मैंने 10 10 शेयर का इशू लाया और आपने हर एक ने अप्लाई किया मेरे पास 12 शेयर के लिए। ठीक है मैं आपको 12 शेयर तो दे नहीं सकता, लेकिन हाँ अप्लीकेशन रिसीव्ड कितने रहेंगे तो आप बोलोगे सर 12। शेयर्स अलॉटेड कितने रहेंगे आप बोलोगे सर 10। ये बेसिक वर्किंग नोट है बच्चा लोग। ठीक है स्टार्टिंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस में अपन बनाएंगे, ठीक है फिर कुछ क्वेश्चंस में अपन बिना वर्किंग नोट के भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है अगर आपको जम रहा है तो ये वर्किंग नोट गाइस 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क कमाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है यस। और अगेन ये कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप बना सकते हो। ठीक है यस तो अप्लीकेशन रिसीव्ड कितना सर 12, शेयर्स अलॉटेड कितने किए सर 10। अब आप आंसर देना मुझे कि अगर मेरे को अप्लीकेशन 12 मिले हैं, अप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, तो मेरे को अप्लीकेशन मनी कितना मिला होगा। तो सर हमने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने 3 रुपए दिए होंगे, 12 × 3 दैट इज 36 रुपीज मेरे को मिला होगा। लेकिन मैंने आपको 12 शेयर दिए क्या? दे ही नहीं सकता। मेरा इशू कितने शेयर्स का है? 10 शेयर का है। तो 10 शेयर पे मेरे को जरूरत कितनी होगी? मेरे को 30 रुपीज की जरूरत होगी। तो अप्लीकेशन मनी ड्यू कितना होगा सर? 30 रुपीज। सो सिंपल। अब सर मैंने दिए आपको 36, मतलब मेरे हिसाब से बोलता हूँ मेरे को मिले 36 और मैंने आपसे बोला है 30, मतलब आपके 6 रुपए ये मेरे पास जमा है, मेरे को 30 ही चाहिए थे, आपने 36 दिए तो 6 रुपए अभी भी मेरे पास ही है। ये 6 रुपए मैं आपको वापस नहीं करूंगा, ये 6 रुपए मैं आपको वापस अभी नहीं करूंगा, ये 6 रुपए मैं मेरे पास में ही रखूंगा और मैं आपसे अलॉटमेंट मनी बुलाऊंगा। अलॉटमेंट मनी ड्यू, बुलाने की एंट्री पहले होती है, हाँ आपको पता है। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने शेयर्स पे? तो सर 10 शेयर बांटे हैं, 10 शेयर पे 2 रुपए, 10 शेयर पे 2 रुपए होते हैं 20। मैंने बुलाया 20 आपसे, आप दोगे क्या मेरे को 20? सच सच बोलना, आप दोगे मेरे को 20? नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे? अरे सर वो 6 रुपए पड़े हैं ना जमा आपके पास, वो एडजस्ट करो। वो एडजस्ट करो, बचे कितने? बचे 14। 14 रुपीज आप मेरे को दे दोगे, सिंपल सा पंडा। तो ये चल के आगे थोड़ा टफ होता है बस, कि बुला कितना रहे हैं, मिल कितना रहा है, एडजस्ट कितना करना है, इस पे फिर अरियर भी आता है। ये थोड़ा सा आगे चल के टफ होता है, अभी तो अरियर कुछ भी नहीं है, उसको 0 कर डालते हैं। तो मैंने बुलाया आपसे 20 रुपए, आपने 20 रुपए नहीं दिए, आपने बोला सर वो 6 रुपए आपके पास पहले से ही जमा है, वो एडजस्ट करो, और एडजस्ट करने के बाद आपने बचे हुए पैसे दे दिए। फिर मैं आपसे बुलाऊंगा कॉल मनी, कॉल है 5 रुपीज का। अगेन कितने शेयर पे बुलाऊंगा? 10 शेयर पे। तो 10 शेयर पे 5 रुपीज होते हैं 50। अब कुछ एक्सेस है क्या? कि एक्सेस हो गया एडजस्ट? तो हो गया सर। अभी कुछ एक्सेस बचा? नहीं सर। अभी कुछ अरियर है? बिल्कुल भी नहीं सर, बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। तो अब कॉल मनी कितना मिलेगा? पूरा 50 मिलेगा सर, पूरा 50 रुपीज। सिंपल, कॉल पे टेंशन ही नहीं आता है, सिंपल। ठीक समझा? अब इसकी अकाउंटिंग क्या होती है? अगेन गाइस प्रोराटा के क्वेश्चन में एंट्रीज में बता तो रहा हूं, लेकिन बहुत कम चांसेस है एंट्रीज आने का। ठीक है यस। फिर भी अपन देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री गाइस आपको आती है बैंक अकाउंट डेबिट। 1 मिनट,
बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कितने मिलेंगे सर? आपके वर्किंग नोट तैयार है, आपका टेबल तैयार है, उसमें सारे अमाउंट्स आपको मिल जाएंगे सर। बैंक में आएंगे 36, अप्लीकेशन के साथ आ रहे हैं तो 36, एकदम सिंपल। फिर इसमें से कैपिटल में कितना एडजस्ट होगा सर? तो कैपिटल में तो 30 ही एडजस्ट होगा सर, तो अप्लीकेशन डेबिट करेंगे 36, लेकिन कैपिटल में जाएगा सिर्फ 30, क्योंकि ड्यू 30 चौराना बचा, 6 रुपये का एक्सेस अमाउंट है, तो सर वो मैच नहीं हो रहा ना। बराबर करते ना उसको मैच। अब मेरे को बताओ, वो 6 रुपये एक्सेस है, और वो 6 रुपये कहाँ पे एडजस्ट किया अपन ने? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया। तो देखो एंट्री क्या होगी, शेयर अप्लीकेशन डेबिट पूरा 36, टू शेयर कैपिटल 30, और टू शेयर अलॉटमेंट 6 रुपीस। अब हुआ मैच, अगली एंट्री देखना, अगली दो एंट्री देखना, आप पूरा समझ जाओगे। अलॉटमेंट में आप बुलाओगे पूरा 20, पूरा 20, लेकिन बैंक में आपको मिलेगा सिर्फ 14। अगेन अमाउंट क्वेश्चन में तैयार है बच्चा लोग, यहां ध्यान देना, शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट है 14, शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट है 6, 14 और 6, शेयर अलॉटमेंट में डेबिट है 20, आपका मैच हो गया। कुछ पैसा पहले ही एडजस्ट कर दिया था, कुछ पैसा बाद में एडजस्ट किया, बाद में मिला, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, आप कभी भी अगर ये एंट्रीज करते हो, तो ये एंट्रीज होने के बाद, 4 एंट्रीज होने के बाद 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, और ये क्रेडिट क्रेडिट और डेबिट मैच हो रहा या नहीं हो रहा ये कर लेंगे, चेक कर लेंगे हर बार, ठीक है। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होने से यहाँ पे बच सकती है, अगर आप ये क्रेडिट डेबिट मैच करके चलते हो, ठीक है बच्चा। फिर फर्स्ट कॉल पे आपने बुलाया है 50, ठीक है, और मिला भी है आपको 50, यहाँ तो कोई पॉइंट है ही नहीं सर, ठीक है बच्चा। तो ये है प्रो राटा अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज और वर्किंग, ये आगे थोड़ा चल के टफ होने वाली, ठीक है। यस, हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें मैंने आपको फोर फीचर भी डाल दिया है ना, तो फोर फीचर, क्योंकि आगे चल के अपने को फोर फीचर पे ही वर्क करना है, प्रोराटा तो कंसेप्ट आपको समझ जाएगा आगे चल के। तो बाकी क्वेश्चन सेम है पूरा, आपको आता है गाइस। एप्लीकेशंस रिसीव्ड आप बोलोगे सर 12, शेयर्स अलॉटेड आप बोलोगे 10, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है सर 12 शेयर पे 3 रुपीज, दैट इज 36। एप्लीकेशन मनी ड्यू करेंगे 10 शेयर पे 3 रुपए, दैट इज 30, एक्सेस आया सर 6, सेम एज बिफोर। अलॉटमेंट मनी आप बुलाएंगे पूरे 10 शेयर पे बुलाएंगे गाइस, 10 शेयर पे 2 आप बुला रहे हो 20, लेकिन आपको 20 मिलेंगे नहीं, आपको 6 रुपए कम मिलेंगे, 40 नहीं मिलेंगे, अगेन वो 6 रुपए एक्सेस है, अरियर यहाँ पे भी 0 है। फर्स्ट कॉल पे आप बुलाओगे 5 रुपए 50, लेकिन फर्स्ट कॉल मनी आपको नहीं मिल रहा है, तो अरियर में आ जाएगा 50, रिसीव्ड में आ जाएगा 0। इसके एंट्री करेंगे अपन, ध्यान देना। तो बैंक अकाउंट डेबिट गाइस जल्दी से निपटाओ, 36 एप्लीकेशन में, 36 शेयर एप्लीकेशन डेबिट आ जाएगा 36, टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा यहाँ पे 6, कैपिटल में आ जाएगा 30, अलॉटमेंट डेबिट 20, कैपिटल क्रेडिट 20, बैंक में आएंगे सिर्फ 14, सारे अमाउंट्स आपके यहाँ पे रेडी है, 14 रुपीज और 6 रुपीज क्रेडिट, 20 का डेबिट, ये आप क्रॉस चेक करेंगे। फाइनल कॉल बुलाया आपने 50 रुपए, बुलाते वक्त पता नहीं रहता है सर कौन देगा या नहीं देगा, लेकिन जब मिला तो बैंक में पैसा नहीं आया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 50, और फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 50, ऐसी आप एंट्री करो। फोर फीचर क्या सर? तो फोर फीचर अगेन वेरी सिंपल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया है,
कॉल मनी नहीं मिला है। तो 3 रुपीज मिल गए, 2 रुपीज मिल गए, 5 रुपीज नहीं मिले सर। एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू फोरफीटेड शेयर, है ना। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 5 रुपए इंटू 50, यहाँ आ जाएगा फोरफिटेड शेयर में बचे हुए 5 रुपए इंटू 50 या 10 इंटू 50। सो सिंपल। तो कॉल पे अगर एरिया है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होता। प्रॉब्लम कब आएगी? जब अलॉटमेंट पे एरिया है ना, क्योंकि प्रो राटा है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, एक बड़ा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत ही निग्लिजिबल चांसेस है, क्योंकि 1 मार्क के लिए पूरा आएगा ही नहीं आपको। मेरे को अभी अभी समझाने में शायद 10 से 12 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे, फिर आप खुद से भी अगर सॉल्व करते हैं तो 10 मिनट लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। 1 मार्क के लिए उतना बड़ा नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूरी है सॉल्व करना कंसेप्ट के लिए, ठीक है। आ जाओ। शेयर्स अप्लाइड 6,000, अलॉटेड है 5,000, अलॉटेड है 5,000, टर्म्स ऑफ इशू है 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 4 ऑन सेकेंड कॉल, ठीक है सर। तो एप्लीकेशन में, अच्छा, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिडंट पेड द कॉल मनी। कॉल बोला है गाइस, फर्स्ट कॉल नहीं बोला, सेकेंड कॉल नहीं बोला। कॉल का मतलब दोनों कॉल, तो दोनों कॉल आपको नहीं मिले, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में आ जाएगा 3 इंटू 6,000, है ना। एप्लीकेशन इज 6, तो 6 3 18,000। ड्यू में आ जाएगा 5,000 इंटू 3, 15,000। एक्सेस में आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज। सिंपल, यस। अलॉटमेंट ड्यू बुलाते वक्त पूरा करेंगे पूरे 5,000 शेयर्स पे, पूरे 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए आप बुलाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 10,000, लेकिन बच्चा लोग 10,000 मिलेगा नहीं। 10,000 में से 3,000 ऑलरेडी मिल चुका है, कितना मिलेगा सर? ओनली 7,000, ठीक है। कॉल सिनेरियो यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि कॉल मनी नहीं दिया, अलॉटमेंट तक तो दिया है सर, ठीक है इतना। अब क्या फर्स्ट कॉल पे और सेकेंड कॉल पे अरियर है सर? 200 शेयर वाले का अरियर है ना। तो आप क्या करेंगे, एक और वर्किंग नोट को यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे, वही उसके सामने। ये जो 200 शेयर है इसके लिए आप अलग से बनाएंगे, क्योंकि अगेन एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में क्वेश्चन ही 200 वाले के ऊपर ही आएगा डायरेक्ट। तो 200 वाले के लिए आप अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। अब गाइस मेरा सिंपल से क्वेश्चन है आपसे कि यार अप्लाइड कितने थे? 6,000। उनको अलॉट कितना किया? 5,000। प्रोराटा है, सॉरी, प्रोराटा है। तो ये जो 200 शेयर का होल्डर है, शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर, इसको भी तो प्रपोर्शनेट में बांटा होगा ना यार, इसको भी तो प्रपोर्शन में किया होगा आपने, यस और नो बच्चा, है ना। तो अब इसको भी प्रपोर्शन में किया होगा, तो इसने अप्लाई 200 के लिए नहीं किया होगा। अब आप ही सोचना, ज्यादा के लिए किया होगा कि कम के लिए? थोड़ा सा सोचो, लॉजिक सोचो कि यार जब मैं 6,000 अप्लाई करने वाले को 5,000 दे रहा हूं, तो जिसको मैंने 200 दिए उसने अप्लाई 200 से कम के लिए किया होगा कि 200 से ज्यादा के लिए? तो ऑब्वियस है कम के लिए किया होगा, तो मैं ज्यादा थोड़ा दूंगा उसको, पैसे नहीं दिए उसने तो मेरे को, तो ज्यादा के लिए किया होगा। मतलब अलॉटमेंट के नीचे लिखेंगे अलॉटमेंट, तो अप्लाइड
कितना इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? 200 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 5000, ये आंसर आ जाएगा गाइस 240। तो 6000 को 5000, तो 240 को 200। एप्लीकेशंस रिसीव्ड 240, शेयर्स अलॉटेड 200, एप्लीकेशन मैंने रिसीव 240 इंटू 3, ठीक है 240 इंटू 3 ये आ जाएगा 720। ड्यू 200 इंटू 3 ये आ जाएगा 600। एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा 120। समझे क्या बच्चा लोग? यस। अलॉटमेंट मनी आप बुलाएंगे 200 शेयर पे 2 रुपए, दैट इज 400, लेकिन आपको 400 मिलेंगे नहीं सर, आपको मिलेंगे सिर्फ 120 माइनस करने के बाद वाला अमाउंट, दैट इज 280। सो सिंपल। कॉल इन अरियर में 0 है सर, क्योंकि अलॉटमेंट तक के कुछ भी आपका अरियर नहीं है। समझे आप लोग? आगे देखो, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे अपन, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पूरा कर लेंगे, फिर मेन वाले में आ जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट कॉल आपने बुलाया, फर्स्ट कॉल बुलाया 1 रुपए 200 शेयर्स पे, दैट इज 200। फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिला तो रिसीव्ड में आएगा 0, अरियर में आ जाएगा पूरा 200। सेकेंड कॉल आपने बुलाया, सेकेंड कॉल बुलाया 4 रुपए इंटू 200 शेयर 800, कुछ भी नहीं मिला सर, तो सेकेंड कॉल में अरियर आ जाएगा पूरा 800 रुपए। ये आपकी वर्किंग है, इसी को आप यहाँ पे अरियर मेन वाले में डाल देंगे सर, 200 और 800। अब देखो, फर्स्ट कॉल बुलाया पूरे 5000 शेयर्स पे 1 रुपए, बचे 5000, एक्सेस तो कुछ था ही नहीं, एडजस्ट हो चुका है। अरियर जो है वो है 200, तो रिसीव्ड में कितना आएगा? 5000 बुलाया, एक्सेस कुछ बचा नहीं, 200 का अरियर है, तो सर रिसीव्ड में आ जाएगा 4800। सेकेंड कॉल बुलाया आपने 5000 पे 4 रुपए, दैट इज 20,000 रुपीज, उसमें से 800 नहीं मिला, मतलब मिला कितना होगा? तो 19,200 आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप वर्किंग करेंगे। सो सिंपल। यस और नो गाइस, चलेगा है ना? बेसिक इशू की एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगेन इसकी एंट्रीज नहीं होगी, ठीक है, ये वाले की, इसकी एंट्रीज नहीं होगी अलग से, अलग से, क्योंकि वो मेन इसमें इंक्लूड है, सिर्फ इसका फोर फीचर होगा। तो बेसिक एंट्रीज इशू की आपको ट्राई करनी है, मैं डायरेक्ट फोर फीचर पे ही लेके जाऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बेसिक एंट्रीज पे हार्डली कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, फिर भी ये वर्किंग्स आपको पूरी करनी है ना। कभी इंस्टीट्यूट ने पूछ ही लिया कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना, तो आपको पता आना चाहिए कि यार 10,000 बुलाया, 3,000 एडजस्ट है, 7,000 मिला होगा, है ना, एमसीक्यूज है ऐसे भी। ठीक, यस। फोर फीचर क्या है सर? 200 शेयर, 200 शेयर, हाँ 240 नहीं, उसके पास है 200, तो मैं फोर फीट भी 200 ही करूंगा। तो 200 शेयर आपने फोरफिट किया, ठीक है, 200 शेयर आपने फोरफिट किया है, उस पे अरियर है आपका गाइस 200 और 800, सॉरी ये 800, तो कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा आपका 1000। अप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी उसने 3 और 2 रुपए दिया है, तो 200 शेयर पे 5 रुपए मिल गए हैं, 1000। फोर कैपिटल में जाएगा 2000, ठीक है, कैपिटल में जाएगा 2000। सो सिंपल। अच्छा, री इशू भी है, एंड ही शेयर्स वर फोरफिटेड, शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹8, फॉर ₹8, बस बस। और सर पेड अप कॉल्ड अप क्या नहीं पता? तो ठीक है, 4 रुपीज 8, मतलब बैंक में तो 200 इंटू 8 जाएगा, ये तो कंफर्म है ना अपने को। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा?
8 रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए। क्वेश्चन नहीं दिया आपको, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। फॉर रुपीज 8, तो एज 8 पेड अप की एज फुल्ली पेड अप। तो ध्यान रखना गाइस, अगर पेड अप वैल्यू नहीं दी है तो फुल्ली पेड अप मानेंगे। क्या मानेंगे? फुल्ली पेड अप। और फुल्ली पेड अप मानेंगे तो 200 × 10 2,000 रुपए यहाँ आ जाएंगे, 1,600 यहाँ आ जाएंगे। फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट से कितना लेना है सर? तो 200 × 2 लेना है, 400 रुपए जो कि मैं ले सकता हूँ। 1,000 रुपए का क्रेडिट है, 400 रुपए का डेबिट है, 600 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, या 5 − 2 3 बचे, 3 × 200 600 आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। सो सिंपल, अगेन टफ अभी आने का बचा है इसलिए ये आपको सिंपल लग रहा होगा, है ना? यस, देख लो अच्छे से प्लीज क्वेश्चन को। अब धीरे धीरे हर क्वेश्चन में नया कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है बच्चा लोग, हर क्वेश्चन में। ठीक है? यस, तो गाइस आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, मतलब देखा देखा सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। क्या अलग है सर क्वेश्चन? तो इश्यू साइज दिया है, शेयर्स अप्लाइड दिया है, टर्म्स ऑफ इश्यू तो सब सेम है, फिर अलग क्या है सर? तो अलग है शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया गया है, अलॉटमेंट भी अभी 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 तक सिर्फ कॉल था बच्चा लोग। तो देखो क्या फर्क है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोराटा का भी स्टार्ट होने वाला है। अप्लीकेशन रिसिप्ट सर 12 रुपीज, शेयर्स अलॉटेड 10 रुपीज, अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 12 × 3 36। अलॉट ड्यू करेंगे सर सिर्फ 30, एक्सेस आएगा 6। ये तो सेम है, ये तो पूरा सेम है। अलॉटमेंट मनी में आएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो सर 10 शेयर पे 2 रुपए, 20 रुपए मैंने आपसे बोला है। गाइस आंसर दो कि अगर आप पैसे देते थे तो क्या 20 रुपए देते थे? बिल्कुल नहीं सर। आप अगर पैसे देते थे तो सर 14 ही रुपए देते थे, है ना? आप बोलते थे ना सर 6 रुपए एडजस्ट करो, बोलते थे आप। तो आपने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो अब मैं क्या बोलूंगा? अरियर कितना है आपका, 20 रुपीज या 14 रुपीज? तो सर अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा 0, कॉल से अरियर में डालेंगे आप सिर्फ 14 रुपीज, खत्म। फर्स्ट कॉल में आप बुलाएंगे, अगेन फर्स्ट कॉल में आप बुलाएंगे 5 रुपए × 10 शेयर 50, रिसीव कुछ भी नहीं होगा, पूरा की पूरा अरियर। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, कॉल पे कोई टेंशन ही नहीं रहता, जितना बुलाया उतना पूरा अरियर, क्योंकि एक्सेस नहीं है ना। जबकि अलॉटमेंट बुलाया 20, लेकिन अरियर 20 नहीं है, अरियर सिर्फ 14 रुपीज है गाइस। और ये पॉइंट शायद अभी आपको समझ गया होगा, सिंपल लगा होगा, लेकिन ये आगे घुमाने वाला है, टफ रहेगा। ठीक है, इसके एंट्रीज देख लेते हैं, बेसिक एक ही क्वेश्चन देखते हैं, बाद में डायरेक्ट फोर फीचर देखेंगे। पहला तो बैंक डेबिट 36, अप्लीकेशन क्रेडिट 36। ठीक है, वेरी सिंपल, शेयर अप्लीकेशन डेबिट 36, शेयर कैपिटल में आएगा 30, और शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 6 रुपए। ठीक, शेयर अलॉटमेंट में डेबिट होगा, आप बुलाएंगे 20 रुपए, 20 रुपए आपने 20 रुपए बुलाए,
लेकिन 6 रुपए आपको ऑलरेडी मिल चुके थे, तो अगर आपको पैसे मिलते थे तो सिर्फ 14 मिलते थे, और वो भी मिले क्या सर? नहीं सर, तो बैंक में तो कुछ नहीं आएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में आ जाएगा डेबिट, 14 शेयर अलॉटमेंट में 14। अरियर 14 कैसे आया समझा क्या? मैंने 20 बुलाए लेकिन 20 अरियर नहीं रहेंगे क्योंकि एक्सेस मनी तो मेरे को मिल चुका है। ठीक है, कॉल का टेंशन नहीं, 50 बुलाया सर और 50 अरियर है सर, कॉल्स इन अरियर। तो ये जो एडजस्ट करना है और जो एक्सेस मतलब रिमेनिंग अरियर बचा है वो निकालना ही आपको थोड़ी आगे चल के दिक्कत देगा। फोर फीचर की भी एंट्री देख लेते हैं अपन। फोर फीचर में क्या होगा सर? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर, फोर फीचर। अब सर अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला तो 2 और 5 7 रुपए नहीं मिले, 10 × 7 70 रुपए का कॉल्स इन अरियर जो कि गलत है। अप्लीकेशन मनी 3 रुपए मिला, 3 × 10 30 रुपए फोर फीचर में जाएंगे जो कि वापस से गलत है। क्यों सर? क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला, ऐसा आप नहीं बोल सकते। अलॉटमेंट 20 रुपए था लेकिन अरियर 20 रुपए नहीं है बच्चा लोग, तो अलॉटमेंट का कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। अलॉटमेंट का 6 रुपए मिला और 14 रुपए नहीं मिला, तो अरियर में कितना जाएगा सर? 50, और 14 दैट इज 64 रुपीज, और फोर फीचर में कितना जाएगा सर? अप्लीकेशन मनी जो मिल चुका है 36, क्योंकि उसमें से 30 रुपीज यहां एडजस्ट हुआ है, 6 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है, तो 36 ऑटोमेटिकली ये 100 आना चाहिए और आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर फीचर, अरियर में गाइस 7 रुपीज अलॉटमेंट और कॉल का नहीं जाएगा। अलॉटमेंट अरियर में सिर्फ अलॉटमेंट का जो नहीं मिला हुआ पार्ट है वही जाएगा, और फोर फीचर में भी अप्लीकेशन का तो 30 जाएगा, अलॉटमेंट का जो एक्सेस मिला है 6 वो भी जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 36, वो डाल सकते हो। ठीक है? यस। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन जो अभी अपन ने पढ़ा था उसी को इनकॉर्पोरेट करके मैंने बड़ा क्वेश्चन बनाया है और एकदम मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। शेयर्स अप्लाइड 3000, अलॉटेड 2000, टर्म्स ऑफ इशू दिया है 3 on allotment, 2 on allot, 3 on application, 2 on allotment, 1 on first call, 4 on second call। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 50 शेयर्स डिडंट पेड द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट नहीं मिला है गाइस, तो ध्यान से पहले एप्लीकेशन तो कर लेते हैं ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड 3000, शेयर्स अलॉटेड 2000, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3000 × 3 9000, ड्यू 2000 × 3 6000, एक्सेस अमाउंट 3000। एप्लीकेशन मनी सॉरी अलॉटमेंट मनी आपने बुलाया, अलॉटमेंट मनी आप बुलाओगे 2000 शेयर्स पे 2 रुपए, दैट इज 4000, लेकिन 4000 आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि एक्सेस तो है ही सर, अरियर भी है। तो अरियर के लिए आप वर्किंग नोट बनाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या सर?
तो सबसे पहले 50 शेयर्स पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं मिला। अगेन गाइज, होल्डिंग होल्डिंग 50 शेयर्स होल्डिंग। तो 3,000 को अगर मैंने 2,000 अलॉट किए हैं, तो 50 शेयर को, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, है ना, अप्लाई कितने किए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 75 शेयर्स अप्लाई किए होंगे, 75 और 50। अप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में आएगा सर 75 शेयर्स पे 3 रुपीज, दैट इज 225। गाइस आंसर प्लीज, 50 शेयर्स पे 2 रुपीज, सॉरी 3 रुपीज, दैट इज 150। एक्सेस में आएगा 75, ये इंपॉर्टेंट अमाउंट है, क्यों आपको पता है, अलॉटमेंट मनी में बोलाऊंगा 50 शेयर्स पे 2 रुपीज, दैट इज 100 रिसीव्ड, तो कुछ नहीं होगा। गाइस मैंने आपसे 100 रुपये बुलाए, आप मेरे को 100 रुपये देने वाले थे क्या? आप बोलते थे नहीं सर, हम बोलते थे 75 एडजस्ट करो, बचे हुए 25 हम देते, लेकिन 25 आपने दिया क्या? नहीं दिया सर, तो अरियर में कितना आएगा? अरियर में सिर्फ 25 आएगा, और इंस्टीट्यूट एग्जाम में जो एमसीक्यू आपसे पूछने वाली है वो है कि व्हाट इज द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन टोटल शेयर्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का परफेक्ट बनता है ये क्वेश्चन कि सर मैंने आपसे 4,000 रुपये बुलाए, लेकिन उसमें से 3,000 तो वैसे ही एक्सेस थे, मतलब 1,000 मिलने चाहिए थे, 1,000 में से 25 का अरियर है, मतलब 975 यही आप रिसीव हुएंगे गाइस। अगर आपको 1 मार्क चाहिए तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। 4,000 बुलाए हैं सर, 4,000 में से 3,000 तो ऑलरेडी एक्सेस थे सर, और 25 का अरियर है सर, 975 आपको मिल जाएंगे। ठीक, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में एकदम सिंपल है, पहले वर्किंग नोट कंटिन्यू कर लेते हैं अपन। 50 शेयर पे 1 रुपए बुलाया, 50 रिसीव, कुछ नहीं हुआ, अरियर 50। 50 शेयर पे 4 रुपए बुलाए, 200, ठीक है, रिसीव कुछ नहीं हुआ, अरियर 200, है ना, यहाँ पे लिख डालेंगे अपन। फिर पूरे 2,000 शेयर्स पे, 2,000 शेयर्स पे आपने 1 रुपए बुलाया, कॉल ड्यू 2,000, 2,000 मिलने चाहिए थे, एक्सेस तो कुछ था ही नहीं, अरियर है, तो मिलेंगे कितने बच्चा लोग, 1950। 2,000 इंटू 4, 8,000 आपने बुलाया, 8,000 में से एक्सेस तो कुछ भी नहीं है, अरियर है 200, आपको मिलेंगे कितने, 7,800। बाकी का सिंपल है, बेसिक इशू की इंट्रीज आपको आती है, वो आपको HW रहेगा। फोर फीचर मैं आपको एक बार और बता दूं, लेकिन पिछले बार के जैसे ही है, अगेन कोई चेंज नहीं। ठीक, तो देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम तो है नहीं, कॉल्स इन अरियर गाइस, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी है, इसका मतलब अलॉटमेंट का पूरा 2 रुपए मिला, ऐसा है क्या? नहीं सर, क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो कितना नहीं मिला? 200 नहीं मिला सर, 50 नहीं मिला सर, 25 नहीं मिला सर, 250 और 25, 275 का आपका अरियर रहेगा। फोरफीटेड शेयर्स में कितना जाएगा सर? तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 225, उतना आप फोरफीटेड शेयर्स में डाल देंगे, कि एक तरीका। इसका दूसरा तरीका है, एप्लीकेशन का मिला 150, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया 75, वो भी 225 आता है सेम, और शेयर कैपिटल में आप डालेंगे 500 रुपीज, 50 × 10, पता है होता आपको, है ना। शेयर्स वर रीइशूड फॉर ₹12, तो बैंक में आएंगे सर 50 × 12, 600। शेयर कैपिटल कितना पेड अप? नहीं दिया, नहीं दिया तो 10 रुपए आएगा,
ये आपको पता है 500, 10 का शेयर 12 में दिया, 2 रुपये आप प्रीमियम मानेंगे तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, 50 × 2 दैट इज 100। सो सिंपल गाइस, फोरफिट किया 225, डेबिट किया 0, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा सर? कैपिटल रिजर्व में जाएगा 225 प्रो राटा, और प्रो राटा में फोर फीचर ऐसा है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्लीज इसको अच्छे से करना। आगे के थोड़े सिमिलर और थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू।